मॉड्यूलर किचन की कॉस्ट ज़्यादा आएगी या कारपेंटर किचन की? मेरे किचन में मुझे एक्रेलिक लगानी चाहिए या लैमिनेट फिनिश यूज़ करनी चाहिए? किचन के अंदर हैंडल्स कौन सा काम में लूँ? किचन का काउंटर टॉप का बेस्ट मटेरियल क्या है? इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आते होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा उन्हीं 10 ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में आते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए GM फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टैक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है कि मॉड्यूलर किचन कितना कॉस्टली है कारपेंटर किचन से। ये तो सब हम विश्वास करते हैं कि मॉड्यूलर किचन कॉस्टली है। देखो, मॉड्यूलर किचन जो है वो अगर कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे तो 5-7% का ही डिफरेंस आता है कारपेंटर किचन से। बाकी जो डिफरेंस होता है वो हमारे माइंड का होता है। कहने का मतलब ये कि जब मॉड्यूलर किचन बनवाने के लिए जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो हमें ये रहता है कि हम बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफरेंट हार्डवेयर आर्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैजिक कॉर्नर हो गया, रोलिंग शटर हो गया, इनोटेक्स लगा ली हमने, इसके अलावा ऑटो इंजन में भी सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म ले लिया, पेंट्री यूनिट इंक्लूड कर ली। जब ये सब चीज़ें अपन इंक्लूड करके बजट लेते हैं तो काफ़ी वो प्रीमियम एंड पे जाता है, काफ़ी हैवी लगता है। जबकि हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं उस किचन से, कारपेंटर किचन से, जिसमें कुछ भी चीज़ें या तो हमने इंक्लूड नहीं करी या फिर उसकी डिटेलिंग नहीं करी या उसका कॉस्ट एस्टिमेशन प्रॉपरली नहीं करा हुआ है। तो इसलिए हमें एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन जब हम उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो हमें पता लगता है कि अगर हम मटेरियल सेम लेंगे, यानी कि उसी ब्रांड का हार्डवेयर कारपेंटर में और मॉड्यूलर में यूज़ करेंगे, उसी ब्रांड का लैमिनेट या एक्रेलिक सेम यूज़ करेंगे, या फिर वही सारे मैकेनिज्म हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे और मॉड्यूलर में भी यूज़ करेंगे, तो पाएंगे कि जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है वो 5-10% ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि 5-10% जो है फैक्ट्री फिनिश का कॉस्ट एडिशनल रहता है। बाकी उसके अलावा जितना अगर आप मटेरियल की बात करोगे, अगर सेम काम में लोगे, तो कॉस्ट ऑब्वियसली सेम ही जाने वाला है। जो मार्केट में डिफरेंस आता है वो या तो कोई बहुत ज़्यादा अगर मार्जिन्स लेके काम करें उस कारण से आता है, या फिर जो आपका स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हम जो समझ नहीं पाते पहले स्टार्टिंग में, हम कंपैरिजन इम्बैलेंस कर देते हैं। मतलब एक जने को आप फ्लोर पे रख के सामने वाले को सीढ़ी पे रख के कंपेयर करोगे तो आपको लेवल का डिफरेंस लगेगा ही सही। दोनों को बेस लेवल पे रखो, यानी कि दोनों में सेम मटेरियल काम में लो, फिर कॉस्ट का डिफरेंस पता लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। दोस्तों, सेकंड मोस्ट आस्क क्वेश्चन रहता है कि हमें लैमिनेट लेनी चाहिए या एक्रेलिक लेनी चाहिए। दोस्तों, ये प्योरली आपका डिसीजन है। एक्रेलिक जो रहता है वो मिरर लाइक फिनिश रहती है, उसके अंदर ग्लॉसीनेस ज़्यादा रहती है कंपेयर टू लैमिनेट। लेकिन ये भी फैक्ट है कि लैमिनेट की कॉस्ट के कंपेयर में एक्रेलिक की कॉस्ट लगभग डबल के आसपास पड़ती है। तो अगर आप बजट अपना बढ़ा सकते हैं, बजट उस हिसाब से खर्च कर सकते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए, मतलब मिरर लाइक फिनिशिंग के लिए, और आप उसकी आपको अच्छा भी लगता है कि मतलब ग्लॉसीनेस ज़्यादा हो, तो आप एक्रेलिक पे जाइए। अगर नहीं लगता है तो आप लैमिनेट हाई ग्लॉस फिनिश भी ले सकते हैं, जो कि इक्वली अच्छी क्वालिटी की आती है। दोनों के अंदर अच्छे ब्रांड्स भी हैं, बुरे ब्रांड्स भी हैं, तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखना है डिटेल में तो उसका लिंक हमने आई बटन में दिया हुआ है, एक्रेलिक वर्सेस लैमिनेट, जिसमें फुल कंपैरिजन उसका बताया हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि मोस्ट ट्रेंडी हैंडल कौन सा है किचन के अंदर। दोस्तों, ये काफ़ी लोगों ने पूछा है, मैं आपको साइड में इमेज के थ्रू दिखा रहा हूँ। मेरे को जो लगता है किचन के अंदर मोस्ट ट्रेंडी, एक तो गोला प्रोफाइल आज के टाइम पे, जिसको हैंडललेस किचन बोला जाता है, जिसके अंदर इस तरह की सी प्रोफाइल और जे प्रोफाइल काम में ली जाती है मॉड्यूलर किचन को बनाते टाइम, जो कारकेस के ऊपर फिट होती है और इस तरह का हैंडललेस लुक आता है उसके अंदर किचन का बनने के बाद में। और जो दूसरा ट्रेंडी किचन हैंडल है वो पुल ग्रिप हैंडल है मेरे हिसाब से, जो कि आपका टॉप एज प्रोफाइल भी बोला जाता है, जिसको टॉप से फिट किया जाता है। इसकी इमेजेस भी आप मेरे साइड में फोटोज में देख पा रहे हो, उसके किचन का लुक लगभग इस तरह का नजर आता है। तो ये जो दो हैं, गोला प्रोफाइल और टॉप एज प्रोफाइल, मेरे हिसाब से मोस्ट ट्रेंडी है मॉड्यूलर किचन के अंदर। दोस्तों, जो फोर्थ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि बेस्ट काउंटर टॉप मटेरियल कौन सा है। दोस्तों, काउंटर टॉप सेलेक्ट करते टाइम काफ़ी सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली काम आने वाला आइटम है। ऐसे में मेरा जो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रहता है इसके लिए, वो रहता है नेचुरल ग्रेनाइट। आज के टाइम पर अगर आप किचन को ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हैं, इंडियन किचन कुकिंग हैबिट्स के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो नेचुरल ग्रेनाइट जो है वो सबसे ड्यूरेबल काउंटर टॉप मटेरियल है। इसके अंदर आप जो है साउथ ब्लैक ग्रेनाइट के ऊपर जा सकते हो, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है। इसके अंदर आपको अच्छी स्ट्रेंथ भी मिल जाती है, ड्यूरेबिलिटी भी मिल जाती है, और ये साफ़ सफाई में इजी टू मेंटेन रहता है। दोस्तों, फिफ्थ जो हमारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो चिमनी के ऊपर है। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। सबसे पहला रहता है कि किचन चिमनी की काउंटर टॉप से हाइट कितनी रखनी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा इसके अंदर लॉजिक है। आपको किचन के काउंटर टॉप से लगभग 29 इंचेस से लेकर 32 इंचेस तक अपने किचन
टॉप से चिमनी की हाइट रखनी है, मतलब चिमनी और काउंटर टॉप के बीच में लगभग 29 से 32 इंच की स्पेस होनी चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें चिमनी जो है उसका पाइप कितना लंबा लेके जा सकते हैं, जो डक्टिंग पाइप रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर वैसे आजकल मॉडल आने लग गए हैं जिनके अंदर आप बड़ा ज़्यादा पाइप भी लेके जा सकते हो, लेकिन एक अगर जनरल आंसर की बात करें तो 15 फीट से 16 फीट से ज़्यादा आपको डक्टिंग पाइप नहीं लेके जाना चाहिए अगर आप डक्ट को बाहर लेके जाना चाह रहे हैं चिमनी के मतलब एयर को बाहर पास करने के लिए। तो 15-16 फीट जो उसकी मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए, उसमें भी आप हैवी सक्शन कैपेसिटी की चिमनी काम में लें तब 15-16 फीट अपन पाइप को रख सकते हैं, वरना उसके अंदर अंदर ही रखना चाहिए। दोस्तों एक और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मार्बल किचन के अंदर क्या स्क्रू लूज होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों एक सेमी मॉड्यूलर किचन का कॉन्सेप्ट होता है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको आई बटन है, जो काफ़ी सस्ता पड़ता है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। अब इसके अंदर लोगों का प्रश्न ये रहता है कि इसके अंदर क्या हम ड्रॉर्स बनाएंगे तो वो लूज़ हो जाएगी टाइम के साथ में या नहीं होगी, या उसमें रिपेयर मेंटेनेंस ज़्यादा आता है क्या। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेमी मॉड्यूलर किचन बनाने का एक तरीका होता है, जो हमने तरीका वीडियो जो लाइव बटन में नज़र आ रहा है, आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से आपको उसमें फिटिंग करनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर मेथड के साथ यूज़ करेंगे, प्रॉपर स्क्रूज़ और जॉइनरी फिटिंग यूज़ करेंगे, तो मार्बल के अंदर किचन में स्क्रू लूज़ होने की प्रॉब्लम कम आती है, बहुत कम आती है। अब अगर अपन एक बात ये देखते हैं कि क्या ये जो प्रॉब्लम है वो फुल मॉड्यूलर में यानी कि वुडन में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। तो अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो छोटी मोटी रिपेयर मेंटेनेंस तो अपने को हर एक फर्नीचर में आती है, तो उसको अगर आप साइड में रख दो तो बाकी ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा आपको रिपेयर मेंटेनेंस मार्बल में किचन में लेनी पड़ रही है कंपेयर टू वुडन फर्नीचर। तो ये मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि हमें इनोटेक काम में लेना है या टेंडम ड्रॉर्स काम में लेनी है, वायर बास्केट काम में लेनी है। दोस्तों उसके ऊपर मेरा एक ओपिनियन है कि आपको दोनों ही तरह की बास्केट्स यूज़ लेनी चाहिए, जहाँ पे आपको कम वेट का सामान रखना है, थाली प्लेट कप सॉसर वगैरह रखने हैं, वहाँ पे आप जो है अपना वायर बास्केट काम में लो, और जहाँ पे आपको हैवी कुछ सामान रखना है, जैसे कि कुछ आपको मान लो पल्सेस वगैरह रखनी है या फिर आपके कुकवेयर्स रखने हैं, वहाँ पे आप इनोटेक काम में लो। तो दोनों का मिक्सचर बनाएं किचन के अंदर, दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं, तो दोनों तरह की बास्केट्स हमें काम में लेनी चाहिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन है वो ये कि मॉड्यूलर किचन का कॉस्ट क्या जाएगा, या फिर मेरे जो 10x8 का या 8x8 8x10 की किचन है उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो दोस्तों इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये कि विदाउट डिज़ाइनिंग एंड विदाउट प्लानिंग कॉस्टिंग पार्ट निकालना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जो किचन की कॉस्ट रहती है वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, पहला होता है उसका डिज़ाइन क्या बनने वाला है, दूसरा होता है उसके अंदर मटेरियल क्या यूज़ होने वाला है। तो अगर दोनों को आप कैलकुलेट कर पाओगे, दोनों को आप पहले कैलकुलेट निकाल पाओगे, तो उसके बाद आप मॉड्यूलर किचन की कॉस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप मॉड्यूलर किचन की कॉस्ट जानना चाहते हैं, अगर आपकी साइज़ ऑफ किचन एक एवरेज है यानी कि 90 से 100 स्क्वायर फीट है, तो एवरेज जो किचन की कॉस्ट जाती है वो लगभग 90,000 रुपये से स्टार्ट होकर के और 3 से 4 लाख रुपये तक जाती है। ये मैं एवरेज ही बता रहा हूँ, इसका एवरेज इतना वाइड इसलिए क्योंकि मटेरियल की और डिज़ाइन की वैरायटी काफ़ी सारी है। तो इसलिए मेरा आपको ये सजेशन रहेगा, अगर आप किचन की कॉस्ट को प्री गेस करना चाहते हैं तो उसका पहले एक डिज़ाइन लेआउट या 2D या 3D प्लान तैयार करें और उसके बाद अपने किचन की कॉस्ट को निकालें, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एक्यूरेट गेस आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप ऐसे क्वेश्चन जो हमें काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी बार पूछे थे, तो मेरे को लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के और ऐसे क्वेश्चंस का एक बार में आंसर दिया जाए। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट के जरूर हमें बताइएगा क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनाऊं जिसके अंदर आपके द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के ऊपर रिप्लाई करूं। आई होप आपको चैनल पसंद आ रहा होगा, हमारा काम अच्छा लग रहा होगा। चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए, देखते रहिए GM फर्नीचर। थैंक यू सो मच।